भाई साहब जी तुम आ जाओ हम अपने स्थान पर अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्हें भी मेरे वीर इस पंडाल खलोते हैं सारे बैठ जाओ, क्योंकि टीम जी हाकी की वो सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों में नतमस्तक होके वो पंडाल पहुंच रही है। तो मीडिया वाले वीर के चरणों में बेनती है कि वो अपनी जगह पर खलो के कवरेज कर। साडे जिहड़े प्रबंधक ने उन्हां वीरां दे चरणां च बेनती है कि पंडाल विच बहुती भीड़ ना होवे, केवल ते केवल साडे मैंबर साहिबान जिहड़े नाल ने खिडारी ते खिडारियां दे मापे उह ही अगे आउण, बाकी सारी संगत नूं पिछे आराम नाल रोक लिया जावे क्योंकि जगह बड़ी थोड़ी है ते लोकां विच उत्साह बहुत है। सज्जे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हाकी की टीम ओलंपिक जेतू खिडारियों के सम्मान लिए खड़ी है, तो समुची जी टीम आ रही मीडिया के चरणों से बेनती है भाई वाइट होने बाद होगी क्योंकि सम्मान समारोह शुरू होने दौ। बड़े सत्कार भगवंत सिंह जी सियालका स्टेज पर आ जाए तो टीम के चरणों से बेनती बैठ के उन्होंने माता पिता जां कोई उन्होंने नाल कोई कोच आया तो वह सामने बैठे पे सोफिया के उत्ते विराजमान हो जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम वो अपनी जगह पर बैठ जाए। बोले सोनिहाल सम्मान समारोह शुरू होने तो पहला मैं जिन्हें भी वीर पंडाल खड़े आ उन्होंने चरणों से बेनती करदा यह सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लिए आए ने। ये कोई जोड़ मेले वर्गा प्रोग्राम नहीं, जिन्हों जगह मिलती वो बैठ जाओ, जिन्हों जगह नहीं मिलती वो सामने बाहर खड़ो जाओ, क्योंकि बड़ा वैल ऑर्गेनाइज समागम प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रखे है, क्योंकि जोड़े साढ़े को खिडारी वीर आए ने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज का यह समागम खास तौर पर खास तौर पर अज जिहड़ा ओलंपिक्स के विच 40 सालों बाद भारतीय हाकी टीम ने अपना थां बनाया उस संबंध में समागम रखा गया इन्हां वीरां नूं सन्मानित करन वास्ते, इन्हां दे कोच इन्हां दे नाल जिहड़ी इन्हां दे सहायता कीती जिन्हां ने उन्हां सारयां नूं सन्मानित करन वास्ते रखा गया समागम। परिवार भी आए ने सारयां दा आयां दा बहुत बहुत जी आयां नूं। मैं एक बेनती करनी चाहुंदा खास तौर पर बीबी जी वालों बेनती आ कि यह समागम बड़ा शानदार तरीके प्रबंधक वालों उलीकिया गया, तो जेडे वीर खलोते ने उन्होंने बेनती आ कि किसी तरीके आप अपनी जिते जिते जगह मिलती उत्थे बैठ जाण। अज का यह समागम क्योंकि जदों हाकी टीम जित के आई तो सब तो पहला बाकी सरकारी फॉर्मैलिटियां तो बाद धन धन श्री गुरु रामदास साहब जी के दर से नतमस्तक हो आए हैं। ये वो स्थान है जितों बख्शिशां हुंदियां ने श्री अकाल तख्त साहब, वो स्थान है जिहड़ा श्री गुरु अर्जन साहब जी ने जिथे गैरत भरन वास्ते जिथे
जागरूक करने वास्ते उथे नाल दी नाल नौजवानी नू जवानी नू जिहड़ा ओ खेडां राही जंगी खेडां राही एक ताकत देने की गल की सी उस तख्त तो भी नतमस्तक हो के आए ने इन्हां नू आयां नू बहुत बहुत जी आयां नू इन्हां नू बहुत बहुत बधाइयां सारे खिडारियां नू छोटी भैन गुरजीत नू बहुत बहुत बधाइयां हुण सतदेव सिंह जी पूरा को जो समागम संचालन कर रहे हैं मैं उन्होंने बेनती करूंगा कि जिस तरीके का समागम लिखा उस तरीके निपरे चाढ़ जी अपनी कार्रवाई जारी रखने की। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खेडा पूरे विश्व मान ने विश्व का जिवें साडे गुरु साहिबान ने सतगुरु श्री गुरु अंगद देव महाराज जी ने मल अखाड़े सिरजे ते उन्होंने पावन बचना ने भी कहा आपे छिंज पवाए मल अखाड़ा रचिया नाल दे नाल हों गसाई का पहलवानड़ा मैं गुरमिल उच्च दमालड़ा भावें अध्यात्मिक तौर पर गल्लां कहियां पर शरीरक तौर पर जिहड़ा रिष्ट पुष्ट आदमी आ उहदे मन च जिहड़ी सिखी दी देश दी समाज दी सेवा दा संकल्प हुंदा हाकी जिहड़ी आ इह भावें पूरे विश्व विच खेडी जांदी आ पर भारत दी बां खेड हाकी आ जिहदे विच खास करके पंजाब ते पंजाब विचों सिखां दा बड़ा वड्डा योगदान रहा। मैं इह वी पढ़ रिहा सी कि 1972 दी म्यूनिख ओलंपिक विच वख वख देशां विचों 30 सिख खिडारी खेडे 2 सितंबर 1972 नूं 15 खिडारी सिख जदों ओलंपिक दीआं टीमां विच खेड रहे सी ते इंज लगदा सी जिवें इह कोई देश नहीं इह किते खालसा खेडां हो रहीआं होण ते अज वी जिहड़ी टोकियो ओलंपिक विच भारत दी टीम ने 41 साल बाद इतिहास सिरजिआ उहदे विच पंजाब दा विशेष करके सिखां दा वड्डा योगदान है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी ओह धार्मिक नुमाइंदा जथेबंदी है जिथे किते भी पूरे विश्व विच सिख नूं किते कंडा चुभदा है उहदी दर्द महसूस श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी करदी है भावें किते हड़ आउण भावें किते भूचाल आउण भावें किते कोई बीमारी फैल जावे जिवें COVID-19 दे विच जदों सरकारां फेल हो गईआं ते मानजोग प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बीबी जगीर कौर जी दी अगवाई विच वख वख थावां ते कोविड कैंप ला के कोविड दी वैक्सीन ते साह दे लंगर लाउणे चाह ते प्रशादे दे लंगर तां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी शुरू तों लाउंदी आ रही है पर मानजोग प्रधान साहब ने विशेष उपराला करके जिहड़े साहां ते लंगर वी लाए अज दे इस महान समागम क्योंकि सचखंड श्री हरिमंदर साहब पूरी मनुखता का केंद्र है भावें इहदा प्रबंध सिख करते हैं पर इत्थे अवल अल्ला नूर अपाया कुदरत के सब बंदे की आवाज़ इत्थों जिहड़ी ओह निकलदी है। अज साडी ओह टीम जिहड़ी देश दा नाम उच्चा करके 41 साल बाद मैडल लैके आई है ओह सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होण आई सी जिस दिन इन्होंने तमगा जितया मानजोग प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने पूरी टीम नाल रल के ऐलान कर दिता कि हरेक खिडारी नूं 5-5 लख रुपया भाव पूरी टीम नूं 1 करोड़ रुपया भावें कुछ आलोचकों ने गल कही कि यह श्रोमणी कमेटी का काम नहीं कि अपने परिवार नूं अपने बच्चों नूं अपनी जवानी नूं सामना यह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम नहीं यह फर्ज है जिहड़ी ये अज तुहानूं इनामी राशि दित्ती जा रही है रोकड़ मैंने मिलनी है ए इन्हां